हेलो एवरीवन, दिल से स्वागत है निशमिस वर्ल्ड पे। एंड कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू निशमिस वर्ल्ड। एंड यस, आज सुबह का टाइम है। पहली बात पे तो मैं जो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन चाहिए वही कर रही हूँ। मैं उड़द दाल की सिंपल वाली डोसा बनाना चाहती हूँ सांभर के साथ, तो उसी के लिए मैंने डाला था 1.5 कप राइस और 3/4 कप के बराबर उड़द की दाल और थोड़ा सा मेथी दाना, बस इतना सा ही डालना है। और अच्छी तरीके से आपको फाइन पीस के तैयार रखना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ वाइट पीस, ये बहुत टेस्टी होता है। गाँव पर छोटा छोटा मिलता है वाइट पीस, पर यहाँ बड़ा मिलता है, लेकिन ये भी इक्वली टेस्टी होता है। तो इसको मैं 3 विजिल लगा दूंगी। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे शाम के टाइम पे ना एक काढ़ा जैसा बना रही हूँ। थोड़ा कंजेशन के लिए डाला है मैंने पानी, सौंफ, जीरा, एक छोटा इंच सिनेमन की टुकड़ा, 3 इलायची एंड थोड़ा सा पेपर, उसके बाद 3-4 लौंग एंड थोड़ा सा लम्ब शुगर। तो इस सभी चीज़ों को डाल के ना अच्छे से आपको उबाल लेना है। थोड़ा सा ये क्वांटिटी रिड्यूस करेगा, तब तक आप उबाल लीजिए। एंड बाद में है ना, थोड़ा सा ऑफ फ्लेम पे नींबू का रस निचोड़ लीजिए, तो आपका काढ़ा बनके तैयार होगा। थोड़ा सा मैंने डाला है टर्मरिक पाउडर। ये एक्चुअली अगर आपको ब्लॉकेज है, नोज ब्लॉकेज या फिर कंजेशन टाइप होता है ना, तो आप इसको आराम से ले सकते हो, बिल्कुल इफ़ेक्टिव रहेगा एंड ये अच्छे से काम भी करेगा। कोविड के टाइम पे हमें आदत पड़ गई थी, तो कभी कभार मैं ये ड्रिंक बना लेती हूँ। हमको तो टेस्टी लगता है, ऊपर से हेल्दी भी तो वैसे है। एंड चाहे ना आप जिंजर भी ऐड कर सकते हो। इतना टेस्टी बना है ना गाइस, टेस्टी से ज़्यादा है ना, बहुत इम्यूनिटी बूस्टर से काम करता है ये, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे ना सांभर की प्रिपरेशन चल रही है। बहुत बार मैंने सांभर को रेसिपी आप लोगों से शेयर किया है। ये वाइट पीस वाला सांभर भी मैं उसी टाइप का बनाती हूँ। इस पर मैं डालती हूँ 3 अनियन और 2 टमाटर। इसको भी थोड़ा बड़े चंक्स में आपको चॉप करके रखना है। सिंपल सा रेसिपी है। सांभर पाउडर मेरे अपने ही घर में बनाया हुआ था। एंड वो रेसिपी चाहे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। शाम का टाइम है, सब प्रिपरेशन होने के बाद रात का भी मैंने कुछ रेडी करके रखा था, बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, उसके बाद वापस से मैं लग गई थी किचन के कामों पे। मेरा कुछ और प्लान था सांभर के साथ बनाने को, पर ये मुझे फ्रिज में दिख गया, तो ये भी मुझे ख़त्म करना था। मैंने बनाया था रवा इडली, इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया है। उड़द दाल और रवा डाल के विदाउट ईस्ट और सोडा या दही कुछ भी नहीं मिलाया था, सिंपल सा उड़द दाल और रवा से मैंने बनाया हुआ इडली था। एंड उसके साथ इडियप्पम, ये तो स्टोर बॉट था जो एवरेस्ट का शायद एवरेस्ट का मिल। ओके, तो एक्चुअली है ना, एक गड़बड़ हो गई थी। मैंने ये इडली भी रखा हुआ था, फिर ये से राइस नूडल्स बोलते हैं ना, ये भी रखा हुआ था थोड़ा सा। तो मैं सोच रही थी कि इसी का ही यूज़ कर लेती, लेकिन मैं भूल गई थी, ये फ्रिज में था। तो अब मैं इसी को डिनर पे सॉर्ट आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी सांभर का तैयारी हो रही है, और यहाँ पे मैंने इसको स्टीम होने के लिए रखा है इस तरह से, कढ़ाई में करती हूँ मैं। आप माइक्रोवेव भी कर सकते हो, पर ये मुझे सबसे आसान लगता है और अच्छा गर्मा गर्म जैसे हम लोग फ्रेश खाते हैं ना, वैसे बन करके तैयार होता है। ओके, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। संप्रिता का स्कूल था, तो सुबह उठ के मैं डोसा ही बना रही थी। एंड वही सांभर का बहुत सिंपल सा रेसिपी है। पहले उसको उबालो, फिर पोटैटो, ऑनियन, टमाटर जितने भी है उसको भी उसमें डाल के उबाल दो। एंड थोड़ा सा मैंने है ना तूर दाल भी डाला था थोड़ा सा भिगो के, तो वो भी मैंने ऐड किया था। फिर सांभर पाउडर डाला, फिर मस्टर्ड सीड्स और जो करी लीव्स था ना उसका मैंने तड़का लगाया था। सिंपल सा सांभर टेस्टी सा तैयार हो गया था। एंड उसके बाद मैंने वो कटलेट जो बनाया था ना, वो मैं संप्रिता को स्कूल में दे रही हूँ। ये 4 वो अकेले नहीं खाए कि एक्चुअली उसको फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आया था कटलेट, तो वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा ले के आओ। तो संप्रिता वही बोल रही थी कि मम्मा थोड़ा ज़्यादा दो, मेरे फ्रेंड्स भी खा लेते। तो ठीक है, तो मैंने 4 पीसेस यहाँ पर ऐड किया है।
एंड सच्ची बताओ ना तो ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश आया था फ्रिज में, लाइक 1.5 वीक्स तक मैंने इसको चलाया था। दो 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 करके हम लोग खा रहे थे। मैंने कभी भी इसको डीप फ्राई नहीं किया था। डीप फ्राई और भी टेस्टी लगता है, तो आप चाहिए तो डीप फ्राई से भी ट्राई कर सकते हो। एंड यस, ये तो माइक्रोवेव का ही बॉक्स है, टिफ़िन बॉक्स जो मैंने अमेजोन से लिया था। बहुत अच्छा है, स्पिलेज भी नहीं होता है। मैं इसी में सांभर भी देती हूँ, और डोसा तो आप देख सकते हो लाल लाल अच्छा खासा तैयार हो चुका है। तो मैं ये बता रही थी कि वो टिफ़िन बॉक्स जो है ना बहुत अच्छा वाला है, स्पिलेज नहीं होता है। सांभर भी मैं उसी में सर्व करती हूँ। बहुत बार सांभर दाल रन्नी जो जो होता है ना, कोरमा हो गया, तो ये सब मैं इसी तरह से है ना, जब थोड़ा ठंडा होता है तब मैं पैक करके डब्बे में डालती हूँ। एकदम भी स्पिलेज नहीं होता है, ना ही कुछ लीकेज का इश्यू है, तो ये आसान रहता है। ओके, तो ये इडियपम एक पीस था। समृता ने बोला कि वो सुबह के लिए वो खाएगी, एंड उसके टिफ़िन बॉक्स पे मैंने उसको डोसा दिया था। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सुबह में एक नाश्ता दूंगी, टिफ़िन में और एक नाश्ता दूंगी, पर ये बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि झंझट वाला काम होता है दो दो ब्रेकफास्ट तैयार करना। पर ठीक है, कभी कभार तो चलता है। तो ये सिंपल सा टिफ़िन उसका रेडी हो गया, एंड उसके साथ साथ वो तैयार भी हो रही है। ओके, तो ये है मेरा डोसा। मैंने एक्चुअली फ्लिप नहीं किया था, मुझे ऐसे पसंद है सांभर के साथ। तो आप देख सकती हो टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, स्पॉन्ज स्पॉन्ज करके आया है। ये देखिए, स्पॉन्जी करके आया है। तो ये फुल प्रूफ रेसिपी है, बहुत बढ़िया डोसा बन के तैयार होता है, विदाउट इनो, विदाउट ईस्ट, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल से चावल और मेथी, थोड़ा सा उड़द दाल, उससे भी ये बढ़िया डोसा। तो यहाँ पे एक छोटा सा टिप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं लेमन इस तरह से सेव करके रखती हूँ। लेमन है ना जल्दी से काला हो जाता है, अगर आप यूज़ नहीं करते हो ना तो ग्रेजुअली वो कलर चेंज होने लगता है। तो मैं ढूंढ रही थी अमेज़ॉन पे, सच बताऊँ तो कौन सा बेस्ट रहेगा, तो इसका रिव्यूज़ भी अच्छा था और ये अच्छा खासा आता भी है। इसमें ना ही सिर्फ लेमन, आप चाहे तो ग्रीन सेव कर सकते हो, वेजिटेबल्स, जिंजर, इस तरह का चीज़ें आप इसमें आराम से डाल के रख सकते हो, बहुत अच्छे दिन तक फ्रेश रहता है। ओके, तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद है ना, एकदम चेंज होने का मेरा मन कर रहा था, चेंज चाहिए था। एग्ज़ाम्स के फीवर चल रहे थे, तो ये शायद लास्ट एक एग्ज़ाम बचा था संप्रिता के लिए। तो वीकेंड पे हम लोग चले गए थे होम सेंटर, सिटी सेंटर। तो वहाँ पे ना जैसे एंट्री किया, तो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था संप्रिता को कि हम लोग उसे आइसक्रीम खिलाएंगे। तो एक ही एग्ज़ाम था तो ठीक है, तो हम लोग बास्किन रॉबिन्स पे खाने लगे। मुझे उतना पसंद नहीं आता है, ठीक है मैं खा लेती हूँ, पर मैंने सिर्फ एक छोटा वाला सा स्कूप लिया था। संप्रिता ने कॉटन कैंडी लिया था, एंड प्रीतेश जी ने चोको चिप एंजॉय किया। एंड ऐसे ही हम लोग घूमने निकले थे, ऐसा कुछ खास प्लान नहीं था, कुछ लेना नहीं था, बस ऐसे ही देखने निकले थे, क्योंकि मेरा फेवरेट मॉल है हम मस्कट में। क्योंकि हम लोग पहले अलक्वायर पे रहते थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ से लेते थे, हर वक्त यहाँ पे आते थे। यहाँ पे अच्छा खासा वैरायटी मिल जाता है, ड्रेस कपड़े का हो जाए, होम सेंटर में भी अच्छा खासा जो भी चाहिए वो वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है, तो मेरा फेवरेट है। तो हम लोग है ना कभी कभार यहाँ पे विज़िट करते हैं। अभी रमदान भी आ रहा है, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कुछ सेल वगैरह लग गया होगा, तो एक राउंड मार के आ जाए। तो बस ऐसे ही घूमने निकले थे, तो बस क्लिपिंग्स थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। एंड हाँ, ये नेक्स्ट डे का क्लिपिंग है। मैंने यहाँ पे छोले बनाया था पिछले रात को, तो वही मैं पूरियाँ बना रही हूँ। प्रीतेश जी कब से बोल रहे थे कि पूरी छोले खाना है, तो ठीक है सुबह के लिए उनको मैंने बना करके दिया था। ये मेरे और संप्रिता के लिए बन रहा है। इसमें भी दो पूरियाँ बची थी, क्योंकि मैं तीन ही खाती हूँ, संप्रिता तीन खाती है, तो बाकी का पूरी बच भी गया था। ओके, तो पूरी का आटा है ना आपको सख्त गूंदना चाहिए, चपाती जितना सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना।
करना है आपको, वरना इतना तेल वो एब्जॉर्ब करता है ना, वो अच्छा भी नहीं लगता है। ओके, तो यहाँ पे मैं सब रेडी कर रही हूँ पूरी के लिए, एंड वहाँ पे छोले भी मैं गरम कर रही हूँ साथ ही साथ। छोले का मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर किया है, एंड 2-3 वैरायटी में छोले बनाती हूँ। नेक्स्ट टाइम कुछ और वैरायटी में आप लोगों से शेयर करूँगी। और सीरियसली बताऊँ तो मुझे है ना छोले के साथ चपाती बहुत अच्छा लगता है, पर संप्रीता को भी पूरी खाना था तो इसलिए मैंने अपने लिए चपाती नहीं बनाई। तो वापस से वो तवा लगा लो, बहुत झंझट की काम होती है दो दो बनाना, तो मैंने एक में ही बना लिया। एंड संप्रीता को है ना वो एक्चुअली इस तरह का फूला हुआ पूरी बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसको चपटा चाहिए, मतलब वो फ्लैट रहता है ना जो फूलते नहीं है, वैसे पूरियाँ पसंद है उसको। तो मैं कभी कभार है ना फ्लैट भी बनाती थी। तो ये देखिए इतना सा आपको थिकनेस रखना चाहिए, ज़्यादा आप पतला रखोगे ना तो एक तो वो ऊपर से फट जाएगी, आपका तेल एब्जॉर्ब करेगा, एंड ऊपर से है ना वो अच्छा भी नहीं लगता है पतला पूरी। तो थोड़ा सा आपको मोटा बेलना है। ओके, तो मैं यहाँ फटाफट पूरियाँ बना रही हूँ, एंड उसके साथ मैं छोले भी सर्व करूँगी। एंड यस, इधर तक ही था मेरे आज की वीडियो। मेरा जो भी वीडियो में दिखाई गई टिप्स या फिर टिफ़िन बॉक्स आइडियाज़, जो भी आपको अच्छा लगे, किधर भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ टेक अ टाइम टू सब्सक्राइब फॉर माय चैनल, मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा उससे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ ऐसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।